Mandira and Rahul to address the media. So could just I've gotten into the space of health, fitness, running only about 8-9 years ago, and I do look at running as a spiritual experience, and it is a little bit of an addiction as well. But I'm very, very happy to be a part of the India Bulls Home Loan Vasai Virar Mumbai Mayor's Marathon. I'm going to call it for short the IBVVMM. I think that's the easier way of saying things. It's wonderful that जैसे कि आप कह रहे थे हेल्थ है तो लाइफ है. अब बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करने लगे हैं. इनफैक्ट देयर हैज बीन सच अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मूवमेंट ह्यूज स्ट्राइड्स टुवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस इन आवर कंट्री. एंड दिस मैराथन इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. विद जस्ट 700 रनर्स इन ईयर 1 टू 15,000 रनर्स लास्ट ईयर. एंड आई डू बिलीव 2017 इज गोना ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स. राइट राहुल, वी आर गोना मेक दैट हैपन. So I myself am really looking forward to the experience, Madam Mayor. Vasai Virar, with all its greenery, beautiful weather at that time, is going to be absolutely fantastic to run at. I look forward to that, and especially I'm looking forward to the local women who run in their sarees. Main unke saath bhagna chahti hu. So I'm really looking forward to December 10, and come December, all roads lead to Vasai Virar for soon to be the best marathon ever. Thank you, Mandira. Rahul, please. Bag, aata mala 6 minute de. Okay? Honorable Mayor, Deputy Mayor, Shitij, Sapna, Ashwini, Mandira, Bruno, Ajit, thanks for having me here. मैं आपसे आपके साथ मैं 3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ इस रन की खूबी है, और इसलिए मैंने हाँ कहा कि मैं यहाँ पे आऊँगा एज वन ऑफ द फेसेस ऑफ द मैराथन. पहला पॉइंट तो ये है, इस देश को अगर आगे बढ़ना है, चाहे रन में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे डेवलपमेंट में हो, तो एक त्रिकोण है जो मैं सुनहरा त्रिकोण बोलता हूँ, वो है गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड द इंटरेस्टेड पार्टी, विच इज द पार्टी दैट एक्चुअली डज द वर्क. उदाहरण के मिसाल के तौर से मैं आपको बताऊँगा. फर्ज करो मुझे, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मैं पोलियो इराडिकेशन के कॉज में मैं काम करता हूँ, और मुझे पता है कि इस तालुके में 30,000 बच्चे हैं जिनको मुझे पोलियो ड्रॉप्स देने हैं, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. ना ही मेरे पास पैसे हैं, ना ही मेरे पास साधन है. सो आई गो टू अश्विनी एट इंडिया बुल्स और somebody else फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर से, सुनो 30,000 पोलियो शॉट्स के लिए और बात आने जाने का जो भी है, कुल मिलाकर हमें 1,00,000 रुपए चाहिए. फिर मुद्दा ये होता है कि 30,000 बच्चों को 2 दिन में, सैटरडे संडे में, हम कैसे पोलियो शॉट्स देंगे. देन आई गो टू द ऑनरेबल मेयर एंड आई से आई वॉन्ट वन ऑफ योर स्कूल्स और आई वॉन्ट 10 ऑफ योर स्कूल्स. आपके 100 कर्मचारी चाहिए, आप वहाँ पे भेजें. आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका जो साधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आप मुझे दिलवाइए. सैटरडे संडे को स्कूल खुला रहता है, एक एक स्कूल में 3,000 बच्चे आते हैं, आपके कर्मचारी है वहाँ पे. मनी इज बीन प्रोवाइडेड बाई इंडिया बुल्स, लोग मेरे हैं, पोलियो शॉट्स मैं लाए. तो यहाँ पे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ करप्शन और एनीथिंग लाइक दैट. द इनिशिएटिव इज माइन, द मनी इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट. दिस गोल्डन ट्राइंगल इज द ट्राइंगल दैट विल टेक इंडिया फॉरवर्ड, एंड दिस रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्राइंगल. दूसरा मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ, वो ये है कम्युनिटी. अंग्रेजी में एक ये बिरादरी, कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी अपने आप को खुश महसूस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी अपने बिरादरी में एक औकात है. हमें अच्छा लगता है कि हम जैसे जो लोग हैं अपने बिरादरी में, हमारे बारे में प्रशंसा करते हैं, हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं. हम जब कुछ करते हैं तो एक रिकग्निशन मिलता है
पड़ोस में ही सही, कॉलोनी में ही सही, बिरादरी में ही सही, लेकिन मिलता तो है. सो फाइनली द ऑक्सीजन ऑफ एनी डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू हाउ ईच कम्युनिटी फंक्शंस टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर और स्किन कलर. द कम्युनिटी फंक्शंस टुगेदर, चाहे तुम एक नाटक देखने जाओ या चाहे तुम एक रन देखने जाओ, आप उस कम्युनिटी इवेंट में भाग ले रहे हो, वेदर यू लाइक इट और नॉट. जब 100 जन स्तब्ध रह जाते हैं एक डांस परफॉर्मेंस के बाद, तो वो जो 100 जन हैं वो शेयर कर रहे हैं एक कम्युनिटी फीलिंग. जब 20,000 लोग आएंगे देखने के लिए इस रन को, तो वेदर दे लाइक इट नॉट, दे विल शेयर दैट कम्युनिटी फीलिंग. दिस अगेन इज वॉट वी टॉक अबाउट, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ग्रेट डेमोक्रेसी. सो दिस इज द सेकेंड रीजन वाई एम हियर. द थर्ड रीजन वाई एम हियर इज दौड़, जो रन है. मैंने पहले भी कहा है, अजीत नोज हैव सेड दिस, मैं फिर से कहूंगा, रनिंग इतना स्पेशल क्यों है, खास करके एक गरीब देश में, खास करके एक डेमोक्रेसी में. वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूं. तीन वजह हैं. एक, स्किल. जैसे अश्विनी कहा, देर इज नो हायरार्की ऑफ स्किल. टेनिस अगर मैं सीखूं तो इस यहां पे मैं अच्छा टेनिस खेलता हूं, तुम बुरा खेलते हो तो तुम बाद में खेलोगे, मुझे पहले कोचिंग मिलेगा. रनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तुम नंगे पैर हो, चाहे तुम्हारे पैर पे नाइकी जूते हो, यू कैन रन एज फास्ट एज यू वॉन्ट. सेकेंड, देर इज नो हायरार्की ऑफ इक्विपमेंट. मेरे पास ये रैकेट है, मेरे पास ये बैट है, मेरे पास ये हेलमेट है, कुछ नहीं. तो ऐसा नहीं कि उसको फेवरेट है, ये फेवरेट नहीं है. इट इज वेरी सिंपल, यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट टू रन, टू टेक पार्ट. थर्ड, कोचिंग. देर इज नो हायरार्की हियर ऑफ, मेरे पास ये शिवाजी पार्क से ये कोच है और तू कहां से है, ऐसा कुछ नहीं. यू डोंट इवन नीड टू बी कोच्ड, यू जस्ट नीड टू रन. इफ यू फ्लिप इट अराउंड, जो देखने वाले हैं, जैसे मैंने मुंबई मैराथन में देखा है, एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी द सेम एट द वसाई विरार मेयर्स मैराथन, एक सब्जी वाला और एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों देख रहे हैं, उनके बच्चे दौड़ रहे हैं, सबको फ्रंट रो सीट मिलता है इस रन में. ना ही कोई एसी बॉक्स में बैठा है या कोई नॉर्थ स्टैंड में बैठा है बेचारा, यहां पे सबको फ्रंट रो सीट मिलता है. सो दिस इज द ग्रेट डेमोक्रेटाइजेशन दैट हैपन्स विद अ रोड रेस, विथ नथिंग, विथ नो अदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड. एंड गौर करके देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं सिर्फ मजहब के तौर पर, एक्सेप्ट फॉर रोड रेसेस. इन रोड, हाउ मेनी पीपल डू हैव इन द रोड रेस लास्ट ईयर मैम? आई चैलेंज यू टू गिव मी 15,000 पीपल इन इंडिया एनीवेयर एक्सेप्ट फॉर अ रिलीजियस इवेंट आउटसाइड ऑफ अ रोड रेस. इट नेवर हैपेंस. स्टेडियम में लोग बैठते हैं, लेकिन जो भाग लेने वाले हैं, जैसे कुंभ मेला हो या जो भी हो, इट्स अ रोड रेस. एंड द मुंबई मैराथन हैज मोर पीपल. दीज आर द रीजंस आई एम हियर. इट्स वेरी सिंपल. आई विल डू व्हाटएवर आई कैन एनीवेयर इन दिस कंट्री व्हेनेवर पीपल आस्क मी टू मेक स्पोर्ट वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी, सो दैट वी कैन पुश बॉयज, गर्ल्स, दलित, ब्राह्मण्स, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, एवरीबॉडी टुगेदर इन दिस क्वेस्ट टू अचीव what will really be the meaning of a democracy. Thanks. Thank you both, Mandira and Rahul.
सेंटर लुक राहुल जी क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर हाउ मच यू फील प्राउड टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ सच इवेंट और सच इनिशिएटिव व्हिच अडॉप्ट अ चिल्ड्रन इन दिस देखिए चाहे मुंबई मैराथन हो या वसाई विरार मेयर मैराथन हो या चाहे कहीं और कोई मैराथन हो बुनियादी बात यह है कि इन रन्स इन मैराथन्स में से क्या होता है असर क्या होता है मेरे लिए असर बहुत गहरा होता है कि एक तरफा तो ज़रूर एक्सरसाइज का एक कल्चर बनता है मैं आपसे पूछता हूँ 15 साल पहले बंबई में मरीन ड्राइव पे कोई कभी आपने देखा कि कोई दौड़ रहा है शायद कोई वॉकिंग कर रहा होगा तो 15 साल में पूरा जो है कल्चर बदल गया है तो ज़रूर स्पोर्टिंग कल्चर बदलता है किसी भी बिरादरी में किसी भी शहर में किसी भी पड़ोस में अगर रनिंग का एक रेस हो जाता है दूसरी बात यह है कि जब लोग रन करते हैं तो उन वो बायां दायां नहीं देखते हैं कि किसके साथ रनिंग करते हैं सब हम एक होकर एक मिलकर हम रन करते हैं तो यहाँ पे भी एक बहुत बुनियादी सबक मिलता है कि अगर किसी को आगे बढ़ना हो तो साथ में बढ़ें कोई पिछड़ ना जाए इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है खास करके एक डेमोक्रेसी में तो मुझे रन्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आप सड़क पे दौड़ रहे हो और सभी दौड़ रहे हैं गरीब अमीर किसके पैर पे अच्छे जूते हैं कोई नंगा पैर भाग रहा है तो लड़कियां लड़के सब के सब सो आई थिंक दिस इज़ रियली क्या कहते हैं एक डेमोक्रेसी इन मोशन होता है सो आई विल ऑलवेज सपोर्ट रन्स रोड रेस में खूबी यही है कि आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो गरीब से गरीब दौड़ सकता है हो सकता है वो नंगे पैर दौड़े लेकिन यहाँ पे कोई तुम्हारा कोच कौन है तुम्हारा रैकेट कैसा है तुम्हारा बैट कैसा है ये जो है फैक्टर्स जो मैं कहूँगा कि ये इनकम फैक्टर्स हैं मनी फैक्टर्स हैं ये प्ले नहीं करते हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो देखने वाले आते हैं वो भी अपना शान नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि सबको फ्रंट रो सीट मिलता है आप पेवमेंट पे खड़े हो देखो अपने बेटे को अपने बेटी को अपने भाई को अपने बहन को आप आए हो चेयर करने के लिए सबको मिलता है उस जगह ऐसा नहीं कि तुम एसी बॉक्स में बैठे हो और मैं बेचारा यहाँ पे बैठा हूँ सीमेंट के तख्ते पे ऐसा कुछ नहीं है सो दैट्स अनदर ग्रेट थिंग अबाउट रोड रेसेस सबको मौका मिलता है फ्रंट रो सीट मिलने के लिए देखने के लिए और सबको मौका मिलता है दौड़ने के लिए सो ये एक बहुत बुनियादी किस्म से अगर आपको स्पोर्टिंग रेवोल्यूशन करना हो तो सबके लिए होना चाहिए एंड अ रोड रेसेस फॉर एवरीवन जी सालों से विद्या बालन जी के साथ भी हमने देखा जी कन्वर्जेशन किया था तो कहाँ तक पहुँचा है आपका ये सफ़र अभी तक कहाँ तक देखिए इस देश में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत गहरे प्रॉब्लम्स हैं तो शायद मेरा पूरी ज़िंदगी मैं बिता सकता हूँ और शायद 5% असर मैं मुझे मेरे काम से हो सकता है 5% ही सही लेकिन कोशिश करना तो और काम करना ये कभी रुके ना तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि फाउंडेशन जो बच्चों की तालीम हम देते हैं अंडमान निकोबार के बच्चे कश्मीर के बच्चे मणिपुर के बच्चे को हम तालीम देते हैं इससे क्या असर हुआ है हो रहा है मैं कहूँगा कि असर तो बहुत हो रहा है उन बच्चों पर लेकिन इंडिया पे असर हो रहा है कि नहीं ये तो बूंद बूंद से सागर बनता है तो मेरा ये एक बूंद है दूसरा जो NGO है हमारा हील चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का अब हम जानते हैं गवर्नमेंट ने कहा है कि 52% बच्चे इस देश में सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं अब 52% का मतलब है 200 मिलियन 20 करोड़ से ज़्यादा तो अगर मैं आज से 2000 साल भी काम करूं कम होगा लेकिन जो हम काम कर रहे हैं 600 से ज़्यादा हमने वर्कशॉप्स रखे हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है एडल्ट्स को समझाने के लिए स्कूल्स को समझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए पेरेंट्स को समझाने के लिए और फिर बच्चों के साथ कि ये देखिए अगर ये होता है तो ये गलत है झिझक बेझिझक आप किसी को बताना आप कभी डर मत महसूस करना आप ये सब तो 600 से ज़्यादा हमने वर्कशॉप्स किए हैं 65 ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनको हम काउंसिल करते हैं तो काम तो चल रहा है लेकिन हाँ क्या ये काफ़ी है कतई नहीं क्या हम करते रहेंगे ज़रूर एक लास्ट सवाल है आपसे जैसे अभी सेक्चुअल अब्यूज़ की बात की आपने
कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो आजकल के रियलिटी शो आते हैं बच्चों के, तो वक्त से पहले उन्हें बड़ा होते देख लिया जाता है, उन्हें जिस एज में उन्हें खेलने कूदने। आपने बहुत गहरा एक सवाल पूछा है जिसके लिए अगर आपके पास अगली बार 2 घंटे हैं तो मैं आपको जवाब दूंगा, फिलहाल नहीं। थैंक्स। गुड।